Hi, my name is Mary. Today FM plays the best music in Lambasa. Today FM rocks. My name is Thomas. I'm here in Nakasi and I like to listen to Today FM because it rocks. And my name is Milenia. Today FM rocks here in Singotoka. My name is Enrique and Today FM rocks here in Tawa. My name is Mary Jane. I love listening to Today FM here in Ba. Today FM rocks. My name is Ilai Tiambale and I love listening to Today FM. Today FM rocks here in Osur. Today's hit music on नमस्कार फीजी समाचार दर्शन के साथ मैं हूं केतरिन कृष्णा। 21 वर्षीय एक व्यक्ति जिस पर ये अभियोग लगाए गए हैं कि उसने एक सिक्योरिटी ऑफिसर की हत्या की थी को सुबह हाई कोर्ट ने और दिनों तक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। फेबियानों दकाई पर आरोप है कि इसी साल के 4 फरवरी को उसने नावा में सोते हुए एक सिक्योरिटी ऑफिसर की हत्या एक एक्स से की थी। स्टेट लोया ने अदालत को बताया कि अभियुक्त ने अपने ऊपर लगाए गए अभियोगों को स्वीकार किया है जबकि वो ये मान कर चल रहा था कि वो डेविड है और वो गोलायत की हत्या कर रहा है। सरकारी वकील ने अभियुक्त के दिमागी जांच की भी मांग की है। स्टेट को 30 दिनों का समय दिया गया है कि वो इन्फॉर्मेशन और डिस्क्लोजर्स को फाइल कर सके। व्यक्ति से 29 अप्रैल को कसूरवार होने या ना होने के लिए फिर से पूछा जाएगा। नांदी जोन 2 के कई टैक्सी ड्राइवर्स इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि नवाका पुलिस उन्हें क्यों टैक्सी बेस से हटा रही है। 40 से भी ज्यादा टैक्सी ऑपरेटर्स को नवाका टैक्सी बेस से हटाया गया है। टैक्सी चालकों ने कहा है कि वे इसका कारण जानना चाहते हैं जबकि इसी साल से ओपन टैक्सी बेस ऑपरेशन को लागू किया गया था। इन ड्राइवर्स ने बताया है कि वे नवाका टैक्सी बेस से बगल होकर अन्य बेस से सेवा प्रदान कर रहे हैं ताकि उन्हें जुर्माना ना भरना पड़े। लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं की है। रास्ते पर येलो लाइंस और डबल लेन्स किसी मकसद से हैं, हालांकि हर बार गाड़ी चालक इसे नजरअंदाज करते हैं जिससे वजह से रास्ते पर ट्रैफिक हो जाता है। फिजरोज अथॉरिटी चीफ एग्जीक्यूटिव जोनाथन मुआ का कहना है कि येलो लाइन्स और रोड कोड के पालन न करने से पीक आवर्स में ट्रैफिक जैम होता है जो पेडेस्ट्रियंस के लिए असुरक्षित है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर चोने ओसुमाते ने कहा कि अथॉरिटीज इस संबंध में अपना काम कर रहे हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी गाड़ी चालकों को सलाह दे रहे हैं कि वे गैर कानूनी ढंग से पार्क ना करें जबकि उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है। और खेलकूद की खबरों में फिजी रग्बी यूनियन के चेयर फ्रांसिस की ने इस बात की पुष्टि की है कि वे वर्ल्ड रग्बी 7 सीरीज को लेकर न्यूजीलैंड रग्बी के साथ अल्टरनेट होस्टिंग पर बातें कर रहे हैं। कीन का कहना है कि हालांकि उनका बिड सफल नहीं रहा है फिर भी वे वर्ल्ड रग्बी द्वारा प्रदान किए गए कानूनों का आदर करते हैं। उनका कहना है कि फिलहाल बहुत सारा काम करना बाकी है ताकि वे अगले महीने वर्ल्ड रग्बी और न्यूजीलैंड रग्बी कॉम्प्लायंस की रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सके। किन का कहना है कि फिजियन फैंस हजारों की संख्या में टीम को सपोर्ट करने आते हैं और वे उम्मीद करते हैं कि वे ओवरसीज रग्बी फैंस को भारी तादाद में आकर्षित कर सके। मार्च 2018 में फिजियन सरकार की मदद से फिजी रग्बी ने वर्ल्ड रग्बी को बिड सबमिट किया था जिसमें उन्होंने 11th लेग ऑफ सीरीज को रखने के प्रपोजल को रखा था ताकि उसे ओपनिंग ग्राउंड में अक्टूबर में खेला जा सके। सेवन्स टूर्नामेंट के सपने को आइलैंड्स में सच करने के लिए न्यूजीलैंड रग्बी ने न्यूजीलैंड सेवन्स को फिजी के साथ अल्टरनेट होस्टिंग का मौका प्रदान करना चाहा है, हालांकि इस पर और भी बातें की जा रही है। फिलहाल न्यूजीलैंड रग्बी के चीफ रग्बी ऑफिसर नाइजल क्लास ने इस बात की पुष्टि की है कि वे वर्ल्ड रग्बी और फिजी रग्बी के साथ बातें कर रहे हैं ताकि फिजी में 2020 और 2023 साइकिल को होस्ट किया जा सके। और ये थे आज के मुख्य समाचार। याद रहे इन समाचारों को आप रेडियो फिजी 2 और मिर्च एफएम पर भी सुन सकते हैं। शुभ रात्रि। Dates, I always listen to Gold FM, only the classic hits in Lambasa. Bula, my name is Miriamma. For the best news updates, I only listen to Gold FM here in the Kasi. Gold FM, only the classic hits.